हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फैन सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो रहेगा, आपको यहाँ पर क्या करना हो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, तो इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम टच करके रखेंगे थ्री फिंगर से तो आपका यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद आप जितना स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको स्क्रीन शॉट ले लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर वगैरह भी कर सकते हैं इस तरीके से, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए इसको, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।